दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं आपको दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल राहुल इलेक्ट्रॉनिकल पॉइंट में। दोस्तों आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए कि एसी की जो गैस स्टोरेज करते हैं हम, जैसे कि कहते हैं कि एसी खोलना है। कैसे हो आप सब। मैं आपको दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल राहुल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आए हम एसी उतारेंगे हायर कंपनी का, तो इसकी गैस स्टोरेज कैसे करते हैं इसकी वीडियो है। तो सबसे पहले आपके पास एल की और एक किस तरह का रेंच होना चाहिए। ये मेरे पास एक 4 नंबर और 5 नंबर की एल की है। मैंने एसी नीचे से चला दिया है। अब हम इसका 3 मिनट का वेट करेंगे क्योंकि इसका जो आउटडोर है वो 3 मिनट बाद चलता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए जो हमारे पाइप लगे हुए हैं और यहाँ पर हमारा देखिए न्यूट्रल और फेस अर्थ की वायर है। हमारा जो एसी है वो चल चुका है। अब दोस्तों जो हमारे यहाँ पर इसकी कैप लगी होती है हम यहाँ से खोल लेंगे इसको। ये देखिए मैं दूसरा भी खोल लेता हूँ यहाँ से। तो हमारी दोस्तों जो गैस है वो रनिंग में हो चुकी है। अब सबसे पहले दोस्तों जो हमारी एल की है इसमें 5 नंबर लगेगी। कईयों में 4 लगती है, कईयों में 5 लगती है, तो इसमें 5 नंबर एल की लगेगी। आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो हमारे पाइप है पतले वाला इसे बंद करना है। ये देखिए, और आपको 1.5-2 मिनट का वेट करना है। तो हमारी गैस है वो वापस आ जाएगी। और आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है, आपको नीचे किसी व्यक्ति को खड़ा करके रखना है जो कि एसी को बंद करे, क्योंकि इसको साथ के साथ ही एसी को बंद करना भी जरूरी है। इसमें एल की लगा लेते हैं जो हमारे मोटे वाला पाइप है। अब हम 2 मिनट का वेट करेंगे। दोस्तों कुछ आपका जो पाइप होता है उसकी लंबाई से भी मैटर करता है कि ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो कम से कम 2 मिनट तो लगता ही है इसमें। अब दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसका वाल बंद कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ से जो इसका पेच है वो खोल लेता हूँ और एक वायर निकाल लूँगा यहाँ से। ये देखिए हमारा ये आउटडोर है जो बंद हो चुका है। इस तरह हमारी गैस जो स्टोरेज हो चुकी है। अब आप इसके जो पाइप हैं वो भी खोल सकते हैं। इस तरह दोस्तों जो सिप्लिट एसी होता है इसकी गैस स्टोरेज हो जाती है। तो मैंने जो एसी की एमसीबी है वो नीचे से काट दी है। अब मैं जो इसके वायर है यहाँ पर, सबसे पहले ये निकाल लूँगा यहाँ से। फिर हम इसके जो पाइप हैं ये खोल लेंगे। ये देखिए, अब दोस्तों मैं आपको इसके पाइप खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कई बार ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर भी रेंच फंसा कर और दूसरे रेंच से खोल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार तकरीबन। तो अगर सही तरीके से नट लगे होंगे फ्लेयर नट तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए ये आराम से खुल चुके हैं और उसके बाद ये हाथ से भी खुल जाएगा। ये देखिए हाँ, ये हमारा जो नट है फ्लेयर नट वो बिल्कुल आसानी से खुल रहा है। क्योंकि 2 मिनट तक तो दोस्तों हमारी जो गैस है वो वापस आ जाती है इसमें प्रॉपर कंप्रेसर में। ये देखिए यहाँ पर हल्की सी भी आवाज़ नहीं आई है गैस की, तो इसका मतलब हमारी जो गैस है वो बिल्कुल ओके स्टोरेज हो चुकी है। तो मैं इसका यहाँ पर देखिए जो दूसरा पाइप है ये भी खोल लेता हूँ। ये देखिए ये हमारा जो दूसरा नट है ये भी खुल चुका है। ये दोस्तों नॉन इन्वर्टर एसी है। इसी तरह आप जो इन्वर्टर एसी आ रहे हैं मार्केट में वो भी इसी तरह ही गैस स्टोरेज करते हैं। ये देखिए अभी हमारा जो आउटडोर है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। तो दोस्तों आपको कैसी वीडियो लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद जय। दोस्तों जो इसकी ये कैप है और यहाँ पर इसके जो यहाँ पर देखिए मुँह खुल चुके हैं, इसको भी अच्छी तरह कवर करना है, नहीं तो इसमें डस्टिंग वगैरह जाएगी। और इस आउटडोर को अच्छी तरह सेफ्टी से रखना है ताकि इसमें कोई चीज़ लगे ना। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों वाल लगा दिए हैं, इसके कैप लगा दिए हैं और यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह पैकिंग कर देंगे।